कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेहसी तीर्थ श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्मा हो, सुन रहे थे आप महासती जी एक जीवन का गहरा रहस्य आपको बता रहे थे। जितने भी सन्नी पंचेंद्रिय जीव होते हैं सबके पास सपने होते हैं। जो प्रज्ञाशील होते हैं, जो श्रद्धाशील होते हैं, उनका सपना सत्य बन जाता है। सोड़ेनम भन्ते अनगारे, भगवती सूत्र में प्रश्न पूछा गया है कि एक असमूढ़ है, एक असमृत है, अनेक समृत है, एक सुरक्षित है, अनेक असुरक्षित है, किसके सपने सत्य होते हैं और किसके सपने सत्य नहीं होते हैं, उसका भगवती सूत्र में केवल एक छोटा सा उत्तर दिया गया। किसके सपने संकल्प बन जाते हैं और किसके सपने केवल मोहनीय कर्म के उदय से आने वाले एक तरंगे बन जाती है। जो संवृत्त है, संवृत्त मीन सुरक्षित है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहर का इफेक्ट इन्फेक्शन नहीं आता है, उसके सपने जैसे वो देखता है वैसे ही सत्य हो जाते हैं। हम समृद्ध है क्या? हम सुरक्षित है क्या? हम गुप्त है क्या? सेफ है क्या? आप सामयिक में हो, समय के कपड़े में हो कि समय की साधना में हो, यदि समय की साधना में कोई पहुंच जाता है तो अर्जुन माली मुद्गर पानी की शक्ति लेकर के भी सुदर्शन पर प्रहार नहीं कर सकता है, क्योंकि सुदर्शन सुरक्षित हो चुका है। और वो सुरक्षित था इसलिए उसका संकल्प था कि मुझे परमात्मा के दर्शन के लिए जाना है, और वो चल पड़ा था। परमात्मा के दर्शन के सपने तो राजगृह के हर श्रद्धालु ने देखा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि राजगृह में प्रभु पधारे और राजगृह के मन में प्रभु दर्शन की इच्छा न हो। इच्छा तो सबकी होती है, क्या अंतर है इच्छा में और संकल्प में? क्या अंतर है सपना और संकल्प में? जिसके साथ तुम्हारे शक्ति का संबंध जुड़ जाता है, जिसके साथ तुम्हारा वीर्य जुड़ जाता है, वो इच्छा संकल्प बनकर के सत्य हो जाती है। और जिसकी जिस इच्छा के साथ आपकी शक्ति नहीं जुड़ती है, एफर्ट्स नहीं लगते हैं, श्रद्धा नहीं लगती है, प्रयास नहीं लगते हैं, केवल इच्छा, केवल इच्छा, उस इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। वो शब्द फिर याद रखिए, सपने पूरे नहीं होते हैं और संकल्प
अधूरे नहीं रहते हैं। लेकिन सपने से संकल्प तक की यात्रा किसी के एक दिन में हो जाती है, किसी के एक मिनट में हो जाती है, किसी के एक पल में हो जाती है। माता मरुदेवी प्रभु दर्शन के लिए चली, प्रभु दर्शन के लिए चली, माता मरुदेवी प्रभु के दर्शन के लिए चली नहीं, चली किसके दर्शन के लिए थी? पुत्र दर्शन के लिए, बेटे को देखने के लिए चली थी। कहानी को थोड़ा सा अलग आयाम से समझना, चली थी बेटे के दर्शन के लिए। एक अपेक्षा ऐसी टूट जाती है, एक ऐसा अपेक्षा भंग कि जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी कि मैं बेटे को मिलने के लिए जाऊंगी और बेटा मेरे तरफ नजर उठा करके भी न देखेगा। जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रही हूं, मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूं और वो मेरे तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेगा। आपका यदि अपेक्षा का भंग हो जाए तो आप क्या करोगे? आपका अपेक्षा का भंग हो गया है, आपकी उम्मीदें टूट गई, आपकी क्या स्थिति बनती है? मैं जवाब सुनना चाहता हूं। आपकी उम्मीदें टूट जाएं तो आप क्या करते हो? आप टूट जाते हो। उम्मीदें टूटने के साथ आप टूट जाते हो। ऐसे ही होता है ना? इसलिए लोग कहते हैं अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए। बराबर है ना? बराबर है ना? यस नो, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कौन कौन बिना अपेक्षा का ठहरा है? बिना अपेक्षा का कोई रिश्ता तुम जी सकते हो? व्याख्यान सुनते सुनते और व्याख्यान सुनाने वाले भी आपको ये कहते रहते अपेक्षा मत करो, लेकिन व्याख्यान सुनाने वाले को जाकर के पूछना, मार साहब आपके मन में अपेक्षा है कि नहीं है? बिना अपेक्षा के मारा साहब व्याख्यान देंगे? बिना अपेक्षा का व्याख्यान देना हो तो फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं, कमरे में बैठ कर दे दो। अपेक्षा रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? अपेक्षा रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? नमुथुनम का पाठ आता है, आता है ना? ठानम संपावित कामनम बोलते हो ना, उसका मीनिंग क्या है? संपायु कामनम का मीनिंग क्या है? प्राप्त करने की इच्छा, अपेक्षा है नहीं है? अपेक्षा है नहीं है। ठानम संपायु कामनम नमुथुनम के पाठ में कहा गया है, शिव मयल मरुय मनंत मखय मवावा मपुनर्ति सिद्धि गई नाम धेम ठानम संपायु कामानम, संप्राप्त करने की कामना। बिना अपेक्षा से व्यक्ति जिंदा रह नहीं सकता है।
जो अपेक्षा शून्य हो गया वो सर्वज्ञ हो गया है। अपेक्षा तो रहनी ही रहनी है और अपेक्षा टूटनी ही टूटनी है। अपेक्षा टूटने के बाद आप नहीं टूटो तो नई अपेक्षा पूर्ण करने का हौसला जन्मता है। माता मरुदेवी की पुत्र दर्शन की अपेक्षा, क्योंकि अपनी जितनी भी अपेक्षा होती है, मैं जिसको देखना चाहता हूं उसने भी मुझे देखना चाहिए। अपेक्षा कैसी है? मैं जिसको देखना चाहता हूं उसने मुझे भी देखना चाहना चाहिए। यदि केवल पुत्र दर्शन की इच्छा होती तो बेटा सामने दिख गया था, लेकिन केवल बेटे को देखने की इच्छा नहीं थी, बेटा भी मुझे देखे। अपेक्षा कैसी होती है जरा देखते चले जाओ। यदि केवल बेटे को देखने की इच्छा होती तो सुखी हो जाती कि दिख गया बेटा, मनाओ खुशी। लेकिन केवल बेटे को देखने की इच्छा नहीं थी तो बेटा भी मुझे देखे, ये तमन्ना थी। कौन सी तमन्ना गहरी थी? बेटे को देखने की तमन्ना गहरी थी कि बेटे ने मुझे देखना चाहिए, ये तमन्ना गहरी थी? हाँ, बेटे ने मुझे देखना चाहिए। हाँ, बेटे ने मुझे देखना चाहिए, ये तमन्ना गहरी थी। मैं बेटे को देखूं ये तमन्ना उतनी गहरी नहीं थी, जितनी तमन्ना गहरी क्या थी? बेटे ने मुझे देखना चाहिए। और ये दूसरी तमन्ना पूरी न हो पाई। गीत किसके गाती थी इतने दिन? वो बेटा मुझे तुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। माता मरुदेवी को लेकर के हम गीत यही गाते हैं कि बेटे को मिलने के लिए तड़प रही थी, बेटे को मिलने के लिए तड़प रही थी, या बेटा भी उसके मिलने के लिए तड़पता रह जाए, ये उसकी भावना थी। दूसरी भावना थोड़ी गई रही थी, वो बोलेंगे नहीं अपन, हमारी मिलन की इच्छा है। लेकिन दूसरी भावना बहुत गहरी थी और वो पूरी न हो पाई। और वो जब पूरी न हो पाई तो झटका लगा। उस झटके में दो परिणाम सामने थे। मैं एक प्रसंग इसलिए दे रहा हूं आपके सामने कि सारे हमारे जीवन में प्रसंग आते रहते रोज। माता मरुदेवी के जीवन में जो आया वो हमारे जीवन में रोज होते रहता है। वो वहां से ऊपर उड़ गई, हम वहां से नीचे गिरते हैं। अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो वो रोई नहीं है, वो तड़पी नहीं है, वो बिखरी नहीं है, वो हताश नहीं हुई है, वो डिप्रेशन में नहीं गई है। जो जो हम करते हैं वो कुछ भी मरुदेवी का नहीं हुआ है। वो डिप्रेशन में जाने के बजाय, फ्रस्ट्रेशन में जाने के बजाय, वो छलांग लगा गई, ऊपर उड़ गई। क्या सोचा होगा मरुदेवी ने? क्या सोचा होगा? मैं कोई कहानी नई तो नहीं सुना रहा हूं आपको ना, कहानी नहीं है। कितनी बार सुनी आज तक कहानी है? बहुत बार सुनी। तो फिर बताइए ना, मरुदेवी ने क्या सोचा होगा उस समय? कुछ नहीं सोचा, कुछ सोचा नहीं सोचा, कुछ सोचा नहीं सोचा,
क्या सोचा? आप क्या सोचते हो? आप क्या क्या सोचेंगे बताओ, मैं आपको देखो किसो नालायक बेटो है, मैं जरा ली इतनी तड़पू उन्हें मारा कने नजर उठी फुर्सत को नहीं। सबसे पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया कोई मन में आएगी तो ये क्या आएगी, दूसरी प्रतिक्रिया आएंगे खरच कोई की रोको नहीं। है ना, सब रिश्ता झूठा है। और ये यदि मरुदेवी के मन में आता तो मरुदेवी मोक्ष में जाती क्या? उस पल में सोचा मरुदेवी ने, उस पल में सोचा मरुदेवी ने, एक मिला अलंबन उसको तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य का। जुड़ी थी वो पुत्र के साथ, जुड़ी थी वो पुत्र के साथ, पुत्र बन गया था तीर्थंकर, पुत्र बन गया था तीर्थंकर। और जिसके साथ चेतना जुड़ी होती है उस ऊंचाई पर वो पहुंच ही जाती है, जिसके साथ चेतना जुड़ी होती है उस ऊंचाई पर वो पहुंच ही जाती है। और एक पल के लिए, एक पल के लिए हटा मोह का पर्दा, हटा मोह का पर्दा, तीर्थंकर नाम कर्म का मिला उजाला, तीर्थंकर नाम कर्म का मिला उजाला। व्यर्थ अनर्थ, व्यर्थ अनर्थ से हुई मरुदेवी की चेतना मुक्त, व्यर्थ अनर्थ से हुई मरुदेवी की चेतना मुक्त। लगा लगा मेरा आना सार्थक हो गया, मेरा आना सार्थक हो गया, पहुंचा है उस ऊंचाई पर, पहुंचा है उस ऊंचाई पर, मैं भी पहुंच जाऊं उसी ऊंचाई पर। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।